साहित्यिक एवं सांस्कृतिक नगरी रीवा में सामाजिक संस्था अभ्युदय उपकार फाउंडेशन द्वारा शाम एक गजल का कार्यक्रम उड़ान ए खुशनुमा शाम सूफी संगीत के नाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने की, जबकि बतौर विशिष्ट अतिथि मशहूर फिल्म अभिनेता अली खान, ओशन बिल्डर्स भोपाल के सीईओ विकास जैन, पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन, सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े, एडीएम रीवा सैलेन सिंह, एसडीएम रीवा अनुराग तिवारी, वरिष्ठ मीसाबंदी एवं समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव, नगर निगम रीवा के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, जनपद सदस्य एसएन पांडे, पूर्व जेल अधीक्षक सेंट्रल जेल रीवा अनिल सिंह परिहार, निवर्तमान पार्षद वार्ड 7 शिवदत्त पांडे एवं जिला पंचायत सदस्य लालमण त्रिपाठी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र मुंबई से आए प्लेबैक सिंगर एवं मशहूर गजल गायक भानु पंडित एवं अनीता भट्ट रहे। कार्यक्रम का आयोजन अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के अध्यक्ष अनामिका शुक्ला ने किया एवं संचालन युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। तत्पश्चात कार्यक्रम के सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान प्रतीक चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में मुंबई से पधारे फिल्म अभिनेता अली खान ने कहा कि फिल्मों में काम करते हुए मुझे दशकों हो गए, लेकिन अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के कार्यक्रम शाम एक गजल में मुझे पहली बार रीवा आने का अवसर मिला। मैं अपनी ओर से कार्यक्रम की आयोजक अनामिका को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सुरों की महफिल सजाने की सोची और इतना बड़ा आयोजन किया। मशहूर सूफी एवं पार्श्व गायक भानु पंडित ने कहा कि रीवा की जनता का असीम स्नेह और प्रेम पाकर मैं अभिभूत हूँ। यहाँ कला के पारखी लोग मिले जो न सिर्फ संगीत समझते हैं बल्कि संगीत साधकों का सम्मान करना भी भरपूर जानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अक्सर मैं रीवा का नाम सुना करता था, लेकिन यहाँ के लोगों से रूबरू होने का मौका पहली दफा मिला। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन का कार्यक्रम उड़ान एक खुशनुमा शाम सूफी संगीत के नाम यकीनन बहुत शानदार रहा। मशहूर सूफी एवं पार्श्व गायिका अनीता भट्ट ने कहा कि मैं कार्यक्रम की आयोजिका छोटी बहन अनामिका को इस बात के लिए साधुवाद देती हूँ कि इस छोटी सी उम्र में कला और संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया वो अपने आप में निसंदेह है, सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। मैंने देश दुनिया में हजारों कार्यक्रम किए, लेकिन रीवा में कला प्रेमियों ने जिस भाव के साथ सुना उससे मैं अभिभूत हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा सदैव से साहित्यिक सांस्कृतिक संपदा से संपन्न रहा है। इसी क्रम में अभ्युदय उपकार फाउंडेशन ने जो ये शाम एक गजल का कार्यक्रम आयोजित किया है वो रीवा के कला साहित्य और संस्कृत को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। मैं भी अपनी ओर से कार्यक्रम की आयोजिका अनामिका शुक्ला को बधाई और साधुवाद देता हूँ। इसके अलावा उपस्थित अन्य समस्त अतिथियों ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। तदुपरांत अभ्युदय उपकार फाउंडेशन द्वारा मई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम एक शाम पुलिस के नाम पुलिस अवार्ड शो कार्यक्रम का पोस्टर अतिथियों द्वारा लॉन्च किया गया। तत्पश्चात सुप्रसिद्ध गजल गायक भानु पंडित और अनीता भट्ट ने गजल की जो महफिल सजाई वो देर रात तक चलती रही। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रीवा के जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मी, शिक्षाविद, चिकित्सक, साहित्यकार, समाज सेवी एवं कला प्रेमी उपस्थित रहे। लेकिन उन्होंने रीवा को कभी भुलाया नहीं और लगभग सभी पिक्चरों में रीवा का उल्लेख करते थे। आप पिक्चर में